हेलो बेटी, हम बात करेंगे एक के फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BME 101, BME 201। ठीक है, और इसमें आपको ऑल यूनिट फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, उसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, किस टाइप क्वेश्चन आया था, वो भी दिखाएंगे आपको, भी बताएंगे। उसके अलावा आपको जितने सारे इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बताएंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए सभी वीडियो सही से पूरा वीडियो ध्यान से देखें। फर्स्ट यूनिट आपका इंट्रोडक्शन वाली है, इसमें आपका थोड़ा लेंथी सिलेबस है इसका मैकेनिकल, लेकिन हमने फिर भी स्टार्ट करने की कोशिश की। तो फर्स्ट आपका टाइप्स ऑफ सपोर्ट, कितने टाइप्स का सपोर्ट होते हैं, हिंज सपोर्ट, रोलर एंड लोड्स। जी हाँ, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड टाइप ऑफ लोड कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि पॉइंट लोड, UDL, UVL, और सपोर्ट कौन कौन से, हिंज और रोलर, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। आपको देखना है डायग्राम दो आपका आ सकता है, एक तो फ्री बॉडी डायग्राम आ सकता है, एक जो है आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटाइल ब्रिटल मटेरियल्स और इलास्टिक कॉन्स्टेंट एंड देयर रिलेशनशिप। अब देखो, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये दोनों का दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डक्टाइल ब्रिटाइल आपको पता होगा, डक्टाइल ब्रिटाइल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कॉन्स्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है यूनिट नंबर फर्स्ट में, कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, कॉन्करेंट और नॉन करेंट जितने सारे कोप्लेनर फोर्सेस आते हैं, उन सभी को आपको देखना है। आपका इस तरीके से पूछ सकता है कि कंपेयर टू कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट आपसे पूछ सकता है फोर्सेस के बारे में, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस। तो आपको दोनों का सारणी बना के, यानी एक साइड में कॉन्करेंट और दूसरी साइड में नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस, आप चार पांच पॉइंट लिख लेना है, क्योंकि एग्जाम में इसके आने के बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है दो टू टू मार्क्स का आपके केवल इसी के डिफरेंस पूछ ले कि डिफरेंस कि डिस्क्राइब द नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स, या फिर डिस्क्राइब द कॉन्करेंट फोर्सेज, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। दूसरा आपका नेक्स्ट है लास्ट वाला जो क्वेश्चन है यूनिट नंबर फर्स्ट का, फोर्स मोमेंट एंड कपल क्या होते हैं, फोर्स मोमेंट एंड कपल के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने चार क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, जो कि मैंने बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे जो सपोर्ट में, सपोर्ट और लोड्स में इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ लोड्स को जरूर पढ़ लेना। फ्री बॉडी डायग्राम और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में भी इंपॉर्टेंट, डक्टाइल और ब्रिटाइल दोनों की इंपॉर्टेंट, दोनों में से कम एक क्वेश्चन आने की संभावना है। कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट भी इंपॉर्टेंट है, फ्री फोर्स मोमेंट एंड कपल इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट फिर भी आप इसको देख सकते हैं एक बार में। ठीक है, आ सकता है, पूछ सकता है एग्जाम में। यूनिट नंबर टू की बात करें, यूनिट नंबर टू में आपका आपको पता होगा इंट्रोडक्शन टू IC इंजन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से अभी कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें आ सकता है, बेसिक डिफिनेशन ऑफ इंजन एंड कंपोनेंट, क्या बन सकता है, बेसिक डिफिनेशन ऑफ इंजन। जी हाँ, इंजन की आपको बेसिक डिफिनेशन बताना है, और उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, मेरिट और डिमेरिट, ये इसको भी आप देख सकते हैं। हालांकि इसके चांसेस तो नहीं आने के, बट फिर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर एग्जाम में आ गए तो, आप ताकि आप उसको लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक। आपको पता होगा टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक कितना हंगामा खड़ा हुआ था, खासकर दिल्ली में आपको पता होगा, वहाँ पे गाड़ियों में बैन कर दिया था वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने टू स्ट्रोक इंजन को। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत हालांकि इसमें बहुत सिंपल भी है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक टू स्ट्रोक का इसमें आपको इसमें दो क्वेश्चन आपसे बन सकता है। एक तो ये है कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी पूछ सकता है आपका, दूसरा पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन, और इसमें ये भी पूछ सकता है कि एडवांटेज ऑफ टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन, या फिर डिसएडवांटेज ऑफ टू स्ट्रोक और डिसएडवांटेज ऑफ फोर स्ट्रोक, यानी कि एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक दोनों का पूछ सकता है। तो इसको देख लेना, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी और डिफरेंस बिटवीन भी और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग भी, तो तीनों में से कम एक क्वेश्चन 10 नंबर का आना ही कंपलसरी है। उसके अलावा यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ आयन EV और EV बैटरीज चार्जेस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ EVs। अब देखो, EVs के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसका कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उसके बैटरीज कौन कौन, EV बैटरीज क्या होती है उसका डिस्क्राइब करना है आपको, चार्जेस क्या होते हैं, एडवांटेज क्या है इसके और डिसएडवांटेज क्या है, ये भी आपको देखना है। तो EV का कंपोनेंट और एडवांटेज दोनों आपको देख लेना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर लास्ट क्वेश्चन नंबर टू का, EV ड्राइव, जी हाँ, HEV ड्राइव क्या, कौन HEV ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट और एडवांटेज ऑफ HV। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये एडवांटेज वाला इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज ऑफ HV ये पूछ सकता है आपसे, लेकिन फिर भी आप इसको भी देख लेना, HEV ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट क्या होता है, HEV ड्राइव ट्रेन
कंपोनेंट्स और एडवांटेज ऑफ एच वी ए भी आप दे सकते हैं। अब उसके बाद यूनिट नंबर थर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप, आपको पता होगा हीट पंप है, सेंट्रिफ्यूगल पंप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लेना हीट पंप है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन। अब देखो इसमें मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन ये इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग भी रेफ्रिजरेशन का पूछ सकता है क्योंकि पूरी यूनिट ही इसी के नाम से है। और उसके अलावा यहाँ पे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या होता है ये भी आपको देखना है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनर, जी हाँ विंडो एयर, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं बट फिर भी है क्योंकि देखो कोई ना कोई एक पूछेगा, जैसे कि वर्किंग वाला कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग वाला, या तो या आपसे ये पूछेगा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का या फिर विंडो एयर कंडीशनर, दोनों में से कोई एक पूछेगा, तो आप दोनों देख लो जो भी आ जाए आप इसको, ताकि एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ड्राई बल्ब है, वेट बल्ब है, ये भी आप दे सकते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस डिफरेंस बिटवीन करके पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन वेट बल्ब और ड्राई बल्ब, या फिर कंपेयर टू ड्राई बल्ब और वेट बल्ब, दोनों के बारे में इस तरीके से कंपेयर भी करके पूछ सकता है। तो कंफर्ट कंडीशन ये भी आपको देख लेना है, और ड्राई बल्ब वेट बल्ब कंफर्ट कंडीशन तीनों आपको देख लेना है। यूनिट नंबर थर्ड के बाद यूनिट नंबर फोर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनिट नंबर फोर में आपका आता है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट है देख लेना, हालांकि 2 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। दूसरा है डायनेमिक एंड काइनेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक एंड काइनेटिक विस्कोसिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट आपका न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन 10 मार्क्स का आने के चांसेस हैं पूरे के पूरे। तो न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टी क्या होती है, और डायनेमिक काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, दोनों तीनों आपको देख रहे हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो इसमें एक बन सकता है सेंट्रिफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रिफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक पूछेगा, दोनों तो नहीं पूछेगा, या अगर पूछेगा दोनों को डिफरेंस करके पूछेगा या कंपेयर करके पूछेगा, अदरवाइज सिंगल सिंगल पूछेगा। सेंट्रिफ्यूगल पंप एंड उसके क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, या फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप या दोनों ही पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो 10 मार्क्स का पूछेगा। बहरहाल दोनों इंपॉर्टेंट है, सेंट्रिफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप दोनों इंपॉर्टेंट, एंड देयर क्लासिफिकेशन एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रेशर डेंसिटी हमने डाल दिया वैसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो नहीं बट दो 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 लाइन आप देख सकते हैं, ताकि अगर एग्जाम में आ गया हो सकता है 2-2 मार्क्स में पूछ ले, तो प्रेशर और डेंसिटी के बारे में आप एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट लास्ट यूनिट बनती है आपका, लास्ट यूनिट से फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, यूनिट नंबर 5 का कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर जो कि आपका बोर्डन ट्यूब प्रेशर एंड यू ट्यूब मैनोमीटर। अब देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एरर इन मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट से कोई ना कोई एक तीनों में से एक पूछेगा जो कि 10 मार्क्स का आएगा, और डिस्क्राइब करके लेंथी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखना होगा जो कि 2 से 3 पेज में 10 मार्क्स का आएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, एरर इन मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर जो कि बोर्डन ट्यूब और प्रेशर ट्यूब एंड यू ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है ये भी आपको एक बार देख लेना है। इसका स्ट्रेन गियर एंड इट्स टाइप पूछ सकता है, स्ट्रेन गियर में आपको बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड स्ट्रेन गियर पूछ सकता है, स्ट्रेन गियर एंड इट्स टाइप, तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज ये पूछ सकता है, ठीक है, तो गेज के बारे में देख लेना। दूसरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी लेंदी, बहुत ही ज़्यादा लेंदी 5वीं यूनिट है, फिर भी हमने स्टार्ट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इसमें आपसे बस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी, जी हाँ एक्यूरेसी के बारे में, और बायोनिक्स एंड अवायोनिक्स क्या होती है, बायोनिक्स एंड अवायोनिक्स और प्रेशर कंट्रोल वैल्यू और डायरेक्शन कंट्रोल वैल्यू। अब देखो ये प्रेशर कंट्रोल वैल्यू, डायरेक्शन कंट्रोल वैल्यू और बायोनिक एंड अवायोनिक्स ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी ये भी इंपॉर्टेंट, जिसे कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो गलत ना होगा, तो तीनों क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैक्ट्रॉनिक्स, हालांकि पहले आता था तो इस बार भी देख लेना, पूछ सकते हैं एक क्वेश्चन पिछले वाला सिलेबस से लगा बजा के, तो एक बार देख लेना। टाइप्स ऑफ सेंसर एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, सेंसर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और ट्रांसड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक भी आपको देख लेना है। तो टाइप्स ऑफ सेंसर, टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको बना के नहीं लिख सकते, जो अगर आप पढ़े नहीं रहोगे तो आप इसको चाहो बना के लिखो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कितने प्रकार के होते हैं आपको पता, क्या पता 5 प्रकार 6 प्रकार, तो जो भी है आप इसको अच्छे से देख लेना। और उसके अलावा बोर्डन ट्यूब प्रेशर एंड यू ट्यूब मैनोमीटर मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, मैंने उसको रिपीट कर दिया क्योंकि ये आ सकता है, तो इसलिए आप इसको एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बन सकता है अदर इंपॉर्टेंट। हमने 3 से 4 क्वेश्चन लिए, आपको पता मैं बार बार कहता हूँ अदर इंपॉर्टेंट जब ही पढ़ें जब आप सारा पढ़ चुके हैं, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ें, दवाइस को स्किप भी कर सकते हैं। तो अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस रिजोल्यूशन एंड स्ट्रेस स्ट्रेन टू सॉल्व बेसिक प्रॉब्लम, आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा भाई, अगर 10 नंबर लेना चाहते तो पढ़ लेना। अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स रिजोल्यूशन एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टू सॉल्व बेसिक, अगर आप मान लो ये नहीं आता तो अगर आप इतना पढ़ के जाते हो तो इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछ लेगा, तो आप जरूर पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, छोड़ना मत, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन, अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड वर्किंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड हाइब्रिड व्हीकल। मैंने कहा था ना व्हीकल से एक इंपॉर्टेंट है, तो व्हीकल से आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइब्रिड व्हीकल ये ज़रूर पढ़ लेना, कुछ पढ़ना है ना मैं आपको पढ़ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये और ये हाइब्रिड व्हीकल, तो अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन डिटेल वर्किंग एंड वर्किंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल दोनों के डिफरेंस पूछ, दोनों का डिफरेंस, दोनों का कंपेयर, दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका अंडरस्टैंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कंजर्वेशन कंजर्वेशन लॉज एंड हाइड्रोलिक मशीनरी यूज्ड इन रियल लाइफ। ये भी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फ्लूइड प्रॉपर्टी, ये फ्लूइड प्रॉपर्टी केवल पूछ सकता है, हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइड्रोलिक वगैरह तो आप चाहो तो एक बार देख लेना, हो सकता है अगर मोड में रहे तो पूछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मैक्ट्रॉनिक्स विथ देयर एडवांटेज स्कोप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन है आपका, हो सकता है स्कोप करके इतना ही पूछ ले, या फिर इस तरीके से पूछ ले कि मैक्ट्रॉनिक्स का स्कोप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होता है, ये भी पूछ ले, तो ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। तो वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मैक्ट्रॉनिक्स विद देयर एडवांटेज, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, और स्कोप इंडस्ट्रियल वाला ये अलग क्वेश्चन बन सकता है, तो दोनों देख रहे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, अगर बात करें इसमें इसका जो है क्वेश्चन पेपर इस तरीके से बनता, तो आपको पता होगा पहले फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बजाय इसमें एक क्वेश्चन जुड़ा था मैक्ट्रॉनिक्स का भी, तो पहले क्वेश्चन यही होता था अभी तक, लेकिन अब बदल दिया 22 तक ये हुआ। इसमें क्या होता था देखिए, क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें हुक्स लॉ वगैरह पूछा है, हमने हुक्स लॉ वगैरह को नहीं लिया, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज हम उसको, क्योंकि चांसेस नहीं इस बार आने के, क्योंकि एक ही ट्यू का क्वेश्चन जल्दी रिपीट नहीं होता है, जैसे कि जो 22 में आया 23 में आने के चांसेस नहीं होती, हाँ जो 21 में आया 20 में आया टर्म है वो आ सकता है, हालांकि इसके हुक्स लॉ वगैरह चाहते हो एक बार देख लेना, आपको पता ही होगा। अबाउट यहाँ पे BDC वगैरह के बारे में पूछा, स्ट्रोक और हुक्स, तो आप चाहो एक बार देख लेना स्ट्रोक ला हुक ला, ठीक है। IC इंजन के बारे में कंपोनेंट ऑफ जो है इसमें पूछा है, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड, मैंने कहा था प्रॉपर्टी फ्लूड की इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी के बारे में पूछा है, और फिर यहाँ से आपका पैसिव एक्टिव एंड पैसिव का डिफरेंस पूछा है, फिर फंक्शन एंड एक्यूमुलेटर पूछा है, एक्यूमुलेटर हमने नहीं बताया, आप चाहो उसको एक्यूमुलेटर की परिभाषा या फिर डिफिनेशन कम से कम देख लेना, ठीक है। BMD या SFD पूछा है, तो आप चाहो इसको भी देख सकते हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑप्टिकल पैरामिट क्या है, पैरामीटर, इसके बारे में भी आप चाहो तो देख लेना, ये सब पूछा है, कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, तो ये हम जो है आप यहाँ से SI इंजन CI इंजन, हाँ ये आप SI और CI एक बार देख लेना, मैं शायद इसका नहीं बताया, लेकिन ये देखो 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक हमने जो बताया आर करके, दोनों से कोई एक लिखना है, तो 10 मार्क्स का आपका आ गया ना जो हमने बताया, तो SI आप पढ़ो ना पढ़ो, हालांकि पढ़ लेना तो अच्छी बात है। अब देखो TS डायग्राम इसमें पूछा आपका रेफ्रिजरेशन करके, और विथ ब्लॉक डायग्राम भी पूछा है, और इसमें नेक्स्ट आता टरबाइन भी पूछा है, तो टरबाइन हमने नहीं लिया है, तो आप चाहो तो टरबाइन के बारे में देख सकते हो, क्योंकि सिलेबस जो पिछली बार आया इस बार आने के चांसेस बहुत कम है, तो सिलेबस काफ़ी लेंथी था इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया है, रिमूव कर दिया, बट आपके पास टाइम है तो टरबाइन के बारे में देख लेना कि व्हाट इज टरबाइन, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन डिटेल, टरबाइन का कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या होता है, और डायग्राम भी आप चाहे तो, क्योंकि टरबाइन 2-3 टाइप के, आप उसको देख लेना, ठीक है। और सुटेबल डायग्राम लिमिट वगैरह करके टाइप से फिट्स एंड टाइप से पूछा है, तो आप चाहो इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका बॉर्डन वगैरह, बॉर्डन प्रेशर गेज मैंने पहले बता चुका हूँ जो इसमें वही दिया है, सेंसर के बारे में पूछा है आपसे, वेरियस इनपुट एंड आउटपुट उसके बारे में पूछा है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है मैकेनिकल एप्लीकेशन सिस्टम भी पूछा आपसे, बेस एंड पावर इनपुट, तो यही सारे क्वेश्चन नियर अबाउट कुछ सेम है, कुछ जो है अलग है, क्योंकि अब सिलेबस चेंज हो चुका, पहले मैक्ट्रॉनिक्स था, मैक्ट्रॉनिक्स हट गया है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको डिफर लग रहा होगा, बट आपके पास टाइम है तो आप इसको देख लेना, सॉल्व कर लेना कम से कम, हालांकि ये क्वेश्चन आने के रिपीट होने के चांसेस तो बहुत कम है, रिपीट जल्दी होता नहीं है, बट फिर भी टाइम है तो एक बार आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। और जो हमने बताया इसमें से मत छोड़ना, खास करके जो 5वीं यूनिट है वो इंपॉर्टेंट है, 1ली यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये फ्लूइड मैकेनिक्स एप्लीकेशन वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे यूनिट आप देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो कमेंट कराओ बताना, नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो अपलोड हो हमें कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक
यानी सब्जेक्ट का नाम, सेमेस्टर, ब्रांच और एग्ज़ाम डेट भी लिखें, उसी हिसाब से वीडियो अपलोड होगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम डेट नहीं लिखेंगे तो हम वीडियो इसलिए अपलोड नहीं करते कि हमें क्या पता कि आपका एग्ज़ाम कब हो, जिसका एग्ज़ाम पहले होता है हम उसी का वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोग बताना कि किस सेमेस्टर, ब्रांच और सब्जेक्ट और एग्ज़ाम डेट, चारों चीज़ें कमेंट करिए, फिर उसी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड हो जाएगी।